alaikum everybody, my name is Zarshane and welcome to my channel Real Diary by Zarshane. आज की जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है दही बड़े, और इसमें इतना कुछ डलता नहीं, सिंपल सी रेसिपी है, क्विकली बन जाते हैं। हमें इसके लिए सिर्फ चाहिए नमक, ज़ीरा, अजवाइन, बेकिंग सोडा। मूंग की दाल मैंने ली है 1 कप पिसी हुई, और ये है कि मूंग की दाल के जो ये दही बड़े हैं ये बहुत अच्छे बनते हैं। इसमें 1 से 1.5 कप हमारा जाएगा पानी, और ये है कि अब हम अपने प्रोसेस की तरफ चलते हैं, जो कि हम सारे जितने भी हमारे मसाला जात हैं इनको हम ऐड कर देंगे बेसन में, और उसको बेसन में ही ये मूंग की दाल का जो आटा है इसको कह लें, इसको हम इसमें ऐड करके पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को। इसमें अभी हमने जो है वो बेकिंग सोडा ऐड नहीं करना, वो हम जब इसमें पानी ऐड करेंगे और उसको मिक्स कर लेंगे उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है बेकिंग सोडा थोड़ा सा। और ये है कि ये बहुत क्विकली बनते हैं और जो है वो बहुत ही अच्छे बनते हैं। ये जो मूंग की दाल की जो रेसिपी है ये है एजाज अंसारी की, मैंने उनको फॉलो किया है, बट बिलीव मी ये बहुत अच्छे बनते हैं। और ये हमारा मिक्सचर जो है यहाँ रेडी है, इसमें सिर्फ मैं अब ऐड करूँगी बेकिंग सोडा ताकि जो है ये फ्लफी से बने। तो ये मैंने ऐड कर दिया है, अब इसको मैं मिक्स करूँगी और उसके बाद ये रेडी हैं तलने के लिए। अब ये है कि हम तलने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इनको हम बिल्कुल स्लो आंच पे जो है पहले तेल को गरम करेंगे, फिर उसके बाद इनको ऐड करके बिल्कुल स्लो से मीडियम जो आंच है उसके दरमियान में हम इनको बनाएंगे, उससे ज़्यादा जो है ना इसको, ताकि ये पक जाए जल्दी अंदर से। और ये मैंने पानी लिया था, इसमें जो है वो थोड़ा सा इसमें नमक ऐड किया ताकि जब हम अपने बड़े जो हैं उनको निकाल के इसमें डालें तो ईज़िली पानी के सोख करें, और पानी के साथ साथ नमक भी सोख करें, और इनका जो नमक है वो इसी में ही पूरा हो जाए। और ये है कि दूसरा ये कि पानी की वजह से इनका ऑयल भी निकल जाता है और ये अच्छे यानी कि ऑयल फ्री हो जाते हैं। ये सारे मेरे पास जो वो चीज़ें थी इनमें ऐड करने के लिए, प्याज और टमाटर, हरी मिर्च, चने सफ़ेद, और साथ थे हमारे पास आलू और चटनी मैंने बनाई हुई थी ग्रीन चटनी इसमें डालने के लिए, दही, ये सारा कुछ हम इसमें ऐड करेंगे। मैंने नीचे पहले तह लगाई है बड़ों की, उसके ऊपर मैंने डाले हैं चने और आलू, और बड़े डालने के बाद आपने सबसे पहले उस पर दही ऐड करना है। दही ऐड करने के बाद आपने चने और आलू डालना है, फिर उनके ऊपर मैंने ऐड किए हैं प्याज और टमाटर, साथ में आपने इनके ऊपर जो है ना चटनी वो सॉरी ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर देनी है। फिर आप दोबारा इसके ऊपर डालेंगे दही, और जो आपका बच गया होगा आधा आपने नीचे बेस में डालना है, आधा ऊपर डालना है। ले जी हमारे बड़े तैयार हैं, इसके दही बड़े जो हैं वो रेडी हैं। इवन कि एजाज अंसारी ने सिंपल ही बनाए थे, और मैंने इसमें चने और आलू ऐड किए, और बिलीव मी इनका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और ये जो ऊपर धनिया डलता है ना, धनिया और चाट मसाला, इससे इनका जो टेस्ट है वो और भी मज़े का हो जाता है। जब धनिया का फ्लेवर आपको मुंह में फील होता है उससे इनका जो टेस्ट है वो और भी बढ़ जाता है। और ये जो रेसिपी मैंने फॉलो किया है एजाज अंसारी की 10/10 है। मेरे घर वालों को भी ये बहुत पसंद आए हैं दही बड़े, और मैं इसी उससे बनाती हूँ। आपने दही में जो है, जब आपका दही बना रहे होंगे आपने उसमें दही में जो है वो ऐड करना है चीनी और नमक, ये याद रखिएगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और इस पर कॉमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।